हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो वोकैबलरी के अगले पार्ट पे आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के वर्ड्स को समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है साइनिक। साइनिक को धीरे से पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ोगे? सही नहीं, साइनिक सही नहीं है। क्या सही नहीं है? ऐसा बंदा जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के इरादों को सही नहीं समझता है, निंदा करता है उनकी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए, साइनिक सही नहीं समझता। ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगा। सही नहीं समझता मतलब दूसरे के इरादों को सही नहीं समझता। माइग्रेंट, माइग्रेंट होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। ई ए माइग्रेंट से याद रखना, एमिरेट्स चला गया, दूसरे देश चला गया। यानी ऐसा इंसान जो अपनी देश को छोड़कर दूसरी जगह रहने लग जाए उसको माइग्रेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर से याद रखना, एक्स्ट्रा टेम्परेचर, ई एक्स एक्स्ट्रा टेम्परेचर। एक्स्ट्रा टेम्परेचर इतना हो गया आजकल कि किसी को ना अंदाज़ा भी नहीं था, तो लोग प्रिपेयर नहीं थे इसके लिए पहले से। तो क्या हो गया, ये डन विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। तो एक्स्ट्रा टेम्परेचर एकदम से हो गया, किसी को इसके लिए प्रिपरेशन ही नहीं थी, ऐसे याद रखना बिना तैयारी के। नेक्स्ट है फैनेटिक। फैनेटिक से याद रखना, फैन है किसी का, फैनेटिक की तरह, मतलब फ़ैन की पंखड़ी जैसे कट्टर होती ना, काट देंगे, काट सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो वैसे ही फ़ैन है, यानी कट्टर फैन है किसी चीज़ का। तो आप ऐसे याद रखोगे, जो किसी पे बिलीव करता है, किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एंथुजियास्टिक जोश से उसको मानता है, फैनेटिक। तो फैन से याद रहेगा, कट्टर फैन। ठीक है, हरमिट। हरमिट से हर मतलब क्या होगा, फीमेल के लिए हर यूज़ होता है, मिट के मिले मतलब होता है हिंदी का वर्ड, फीमेल के ने किसी रिश्ते को मिटा दिया, हरमिट, फीमेल ने किसी रिश्ते को मिटा दिया। तो जो आदमी था वो काफ़ी बुरा महसूस किया, अकेला रहने लगा, किसी धार्मिक कारण को अपना लिया उसने, ज़िंदगी को अकेले जीने का फैसला किया और किसी से मिलना बंद कर दिया, एकांतवासी हो गया। ठीक है, हरमिट, हर ने जब उसका किसी का रिलेशन मिटाया, हरमिट, तो इंसान वो दुखी हो कि कहाँ रहने लग गया, अकेली लाइफ जीने लग गया। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है क्लैप्टोमेनिया। क्लैप्टोमेनिया से याद रखना, कैप्टोमेनिया, कैप्ट, कैप्ट मतलब चीज़ों को अपने पास रखना। तो जो कहीं भी जाता है इंसान, ऐसा इंसान जो किसी भी चीज़ को देखता है और उसको अपनी जेब में रख लेता है, कैप्टोमेनिया, चोरी कर लेता है, ऐसी उसके दिमाग में अगर बीमारी हो जाएगा, मैनिया। मैनिया मतलब होता है मेंटल डिजीज से जुड़ा हुआ। ठीक है, ऐसे याद रखना, मैनिया मेंटल, याद ऐसे याद रखना। तो कैप्टोमेनिया, चीज़ों को अपने पास रखने की जिसकी आदत हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, चोरी करने की बीमारी। ठीक है, नोटोरियस, नोटोर, अगर किसी इंसान की बाहर बदनामी हो रखी है ना, कोई बदनाम हो रखा है, कुख्यात या बदनामी हो रखी है, तो उसको नोटोरियस कहते हैं। तो कोई अगर बदनाम होगा और वह आम पब्लिक में घूम रहा होगा, तो वो सोच रहा है इसकी टोर थोड़ी बनेगी, टोर का मतलब हवा, हवा थोड़ी बनेगी, तो नो टोर, कोई टोर नहीं होती उनकी जिनकी बदनामी हो जाती है। तो नोटोरियस से याद रखना, बदनामी वाला पर्सन, टोर नहीं होती उनकी। ठीक है, न्यूमिसमैटिस्ट, न्यूमिस का मतलब होता है कॉइन्स, बेसिकली कॉइन, जो सर्कुलर आकार की जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम न्यूमिस कहते हैं, जैसे कॉइन हो गया, जैसे मेडल हो गया। तो न्यूमिसमैटिस्ट जो सर्कुलर चीज़ों को अपने घर में मैट पे रखता है, संभाल के, साफ सुथरे, मतलब कलेक्ट करता है, तो न्यूमिसमैटिस्ट से याद रखें, सिक्के या मेडल को कलेक्ट करने वाला। ठीक है, ओडे, नेक्स्ट है ओडे। ओडे को ऐसे याद रखना, ओ डे, वो दिन। ठीक है, ओ डे, डे से होगा, डी ए वाई वाला डे याद रखना, ओ डे, ओ दिन जरूर आएगा जब आपको संबोधित करने के लिए कोई पोयम या गीत गाया जाएगा। ठीक है, पोयम, जब किसी को संबोधित करने के लिए पोयम गाई जाती है ना, उसको ओडे कहते हैं। तो आप याद रखना, ओ डे, वो दिन जरूर आएगा जब आपको संबोधित करने के लिए पोयम गाई जाएगी। नेक्स्ट है पेडेंट। पेडेंट से याद रखना, तोड़ लो इस वर्ड को, पैदा। पैदा होते ही जो रूल्स आपने, रेगुलेशन शुरुआत में सीखे थे, अगर आप उसी को मानते हो, फॉर्मल रूल्स को जब शुरू में पढ़े थे आपने, तो आप रूढ़ीवादी कहलाओगे, आप पेडेंट कहलाओगे। ठीक है, याद रहेगा आपको, आसान है ये, जो ज़्यादा अटेंशन देता है फॉर्मल रूल्स को, जो शुरुआत में पढ़े थे, शुरुआती रूल्स को, पैदा होते ही जो रूल्स पढ़े थे उनको ज़्यादा मानता है, वो रूढ़ीवादी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी मतलब फील करो, अगर आप किसी भाषा को फील करते हो, उसकी डेवलपमेंट कराने के लिए, फिलो आप क्या कहते हैं, किसी भाषा के लिए फील करते हैं कि उसकी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, तो उसको स्टडी को आप फिलोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिलोलॉजी, तो एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ फटाफट, देखिए, रिपीट कीजिएगा अपने माइंड में। साइनिक, सही नहीं है, दूसरे को जो सही नहीं मानता, निंदा करता है। अमाइग्रेंट, एमाइग्रेट होके दूसरे देश चला गया है, ठीक है, एमिरेट्स चला गया माइग्रेंट। एक्सटेम्पोर, एक्स्ट्रा टेम्परेचर हो गया, कोई भी प्रिपेयर नहीं था इसके लिए,
तो डज विदाउट एनी प्रिपरेशन, डन विदाउट एनी प्रिपरेशन, फैनेटिक फैन है, फैन कितना कट्टर, तो कट्टर किसी चीज़ को मानने वाला, फैनेटिक हरमिट किसी ने धोखा दिया तो वो अकेले रहने लग गया भाई, कैप्टोमेनिया चीज़ों को अपने पास कैप्ट रख लेता है, नो टोर, यस नो टोर, कोई टोर नहीं है किसकी जो कुख्यात या बदनामी हो जाती है जिसकी, न्यूमिस्मैटिक न्यूमिस्मैट पे रखने वाला चीज़ों को गोल, ओ डे ओ दिन जरूर आएगा जब आपके लिए संबोधित करने के लिए गीत गाया जाएगा, पेडेंट पैदा होते ही जो रूल्स बने थे उनको फॉलो करने वाला रूढ़ीवादी होता है, फिलोलॉजी फील करो अगर किसी लैंग्वेज को डेवलप करना है तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया लगे होंगे, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छे लगे तो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली पार्ट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।